So hello everyone, welcome once again to this channel. I hope so you all are doing well. चलिए ऐसे क्लास को बिगिन करते हैं क्योंकि हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑलमोस्ट कंप्लीट है, सिर्फ एक टॉपिक बाकी है, दैट इज मैमरी ग्लैंड्स। उसका आज मैं क्या करूँगी, आपको इंट्रोडक्शन करा दूंगी और जितना भी हम लोगों ने पढ़ रखा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से उसकी आज एनसीईआरटी कवर करेंगे। क्लियर? चलिए आपको क्या करना है, मेरी तरह आपको भी एनसीईआरटी की बुक को ओपन करना है और मैं रीड करूंगी, आपको समझते चलना है। क्लियर? जहाँ पे भी मुझे समझाने वाला पॉइंट रहेगा मैं आपको अभी समझा दूंगी वहाँ पे, लेकिन आपको खुद से भी रीडिंग लगानी है, दो तीन बार खुद से रीडिंग करना है। क्लियर? चलो तो आपको खोलना है पेज नंबर 44 फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैं आपको रीड करूंगी और समझाते चलूंगी। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज अलोंग विद अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, कहाँ पे लोकेटेड होता है, दैट इज पेल्विक रीजन। क्लियर? कहाँ पे होता है लोकेटेड, पेल्विक रीजन में। हम लोगों ने कहा क्या क्या पढ़ा था, दैट इज मेल एसेसरी डक्ट, मेल एसेसरी ग्लैंड्स मेल में पढ़ा था, फीमेल में भी हम लोगों ने पढ़ा। क्या चीज, अ पेयर ऑफ ओवरी दैट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ओविडक्ट का पेयर दैट इज फैलोपियन ट्यूब, यूटरस, सर्विक्स, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्लियर? इतनी चीजें कंप्लीट हो गई थी। चलिए, दीज पार्ट्स ऑफ सिस्टम अलोंग विद अ पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड्स आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड। तो ये सारे पार्ट के अलोंग हमने एक और चीज आपको लिखाई थी कि पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि ये फैसिलेट करती है, सपोर्ट करती है प्रेगनेंसी को, फर्टिलाइजेशन को, ओवुलेशन को, चाइल्ड बर्थ को, चाइल्ड केयर को, ये सब चीज़ें क्या करती है, सपोर्ट करती है। क्लियर? मैमरी ग्लैंड्स, आपने फर्स्ट मिल्क का नाम सुना होगा कोलोस्ट्रॉम, इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगी। क्लियर? मैमरी ग्लैंड्स का क्या है, कुछ पोर्शन यहाँ पे दे रखा है, कुछ पोर्शन लास्ट में दे रखा है, बट मैं क्या करूँगी, जो लास्ट पोर्शन है उसको भी इसी में पढ़ा दूँगी। क्लियर? जैसे मैमरी ग्लैंड्स हमारा सिर्फ एक टॉपिक रहेगा, उसमें यहाँ वाला पार्ट भी कम्प्लीट रहेगा और लास्ट पोर्शन भी कम्प्लीट रहेगा। क्लियर? चलो, ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस अ फीमेल गैमेट्स ओवम एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स ओवेरियन हार्मोन्स। तो आपको पता है ओवरी क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, क्योंकि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है तो ये दो ही चीज कर सकता है, या तो गैमेट्स का प्रोडक्शन या हार्मोन का प्रोडक्शन। क्लियर? चलते इसके बाद है, तो ओवरीज आर लोकेटेड ऑन वन ऑफ ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। यानी मैंने आपको दिखाया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, तो कहाँ पे ओवरी कहाँ पे लोकेटेड था, यहाँ से कनेक्टेड था ओवरी, कैन यू रिकॉल इट, है ना, हियर इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर यहाँ से पार्ट था। क्लियर? तो दो ओवरी प्रेजेंट था। क्लियर? दैट्स व्हाई इट इज रिटन अ पेयर ऑफ ओवरी इज प्रेजेंट। चलिए, ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड इज कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल एंड यूटरस बाय लिगामेंट। मैंने आपको बताया था कि ओवरी जो है वो लिगामेंट से कनेक्टेड होता है, वो यूटरस के भी लिगामेंट से कनेक्टेड होता है, और कहाँ पे कनेक्टेड होता है, पेल्विक के रीजन में कनेक्टेड होता है, ओवेरियन लिगामेंट एंड सस्पेंसरी लिगामेंट। याद आ रहा है आपको? क्लियर? चलिए, ईच ओवर इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम व्हिच इनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा। मैंने स्ट्रोमा वर्ड क्यों बताया था, कि ओवरी में क्या होता है, ओवरी के बाहर खाली स्पेस होता है, उसको स्ट्रोमा बोलते हैं, और वो किस चीज से लाइन होता है, एपिथेलियल टिश्यू से। अब स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू टू जोन, मैंने आपको नाम बताया था पेरिफेरल, यानी कि बाहरी हिस्सा, पेरिफेरल को क्या बोला था हमने, कॉर्टेक्स, एंड इनर मेडुला। समझ में आया? चलो, पेरिफेरल वर्ड जहां पे कहीं भी आएगा अगर ओवरी के स्ट्रोमा से रिलेटेड है, यानी कि उसको क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे डेवलपिंग फॉलिकल्स थे, और इनर मेड्यूला, इसके अंदर क्या था, ब्लड वेसल्स थे। क्लियर? तो आपको ये डायग्राम क्लियर होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, एंड दिस डायग्राम बोथ आर क्लियर। आपके क्वेश्चन में डायग्रामेटिक व्यू भी आएगा, इसलिए आपको डायग्राम को भी साथ लेके चलना है, बहुत बारी प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मैमरी ग्लैंड्स, ये सबके डायग्राम से भी क्वेश्चन रहते हैं। क्लियर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर से। चलते, द ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट में कौन कौन से आते हैं, ओविडक्ट आते हैं, फैलोपियन ट्यूब जिसको बोलते हो, यूट्रस बोलते हैं, वजाइना। क्लियर? ईच फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। फैलोपियन ट्यूब कितने
कितने सेंटीमीटर का होता है और ओवरी कितने सेंटीमीटर का था। ओवरी 2 to 4 याद है और फैलोपियन ट्यूब 10 to 12 सेंटीमीटर। एंड एक्सटेंड फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूटरस। आपको मैंने डायग्राम देके बताया था ओवरी का पूरा फैलोपियन ट्यूब का डायग्राम मैंने बनाया था। 3 पोर्शन से कंप्लीट होता है, इनफंडिबुलर, एम्पुला एंड इस्थमस। क्लियर। द पार्ट क्लोजर टू ओवरी, ओवरी के पास वाला हिस्सा को क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम। और यूटरस के पास वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? दैट इज इस्थमस। क्लियर। The edge of infundibula poses finger-like projection called fimbriae. अब मैंने आपको दिखाया है कि fimbriae infundibular वाले structure के पास एक fimbriae वाला structure होता है। क्यों? ओवा को collect करना है, इसीलिए। Clear? चलिए। Which help in collection of ova after ovulation? अब मैं इसीलिए fast पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है, मैंने पहले से बहुत detail में आपको बताया, जितना detail होना चाहिए उतना मैंने आपको already बता रखा है। Clear? तो अभी ज़्यादा time नहीं लगाते इसमें। The infundibulum leads to a wider part of oviduct called ampulla. और ampulla वाले ही region में ही fertilization होता है, ये भी आपको याद रखना है point। Clear? The last part of oviduct isthmus has a narrow lumen and it joins the uterus. Clear हो गया? Last वाले portion को क्या बोलते हैं? Isthmus बोलते हैं। और उसी के बाद तो वो join होके uterus से मिल जाता है। Clear हुआ? चलिए। The uterus is single and it is also called womb. Uterus single है और उसको वोम भी बोलते हैं या हिस्ट्रा भी बोलते हैं। क्लियर। मदर का वोम में क्या होता है? बच्चे का डेवलपमेंट होता है, फीटस डेवलप कर रहा होता है। क्लियर। द शेप ऑफ यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर। पियर का शेप मान लो ऐसा है, ऐसा तो यूट्रस का शेप कैसा हो जाएगा? इन्वर्टेड पियर, यानी कि उल्टा। क्लियर। चलो। इट इज सपोर्टेड बाय अ लिगामेंट अटैच्ड टू पेल्विक वॉल। अब जानते हो लिगामेंट ओवरी को भी कनेक्ट कर रहा होता है और यूट्रस के भी वॉल में लिगामेंट्स होते हैं। क्लियर। The uterus opens into vagina through a narrow cervix. और uterus के बाहर वाले structure के आप देख रहे होंगे, uterus के बना है उसके just नीचे क्या है? Cervix, vagina। Clear? चलो। अगर आपको ये सारे question में doubt आ रहा है, diagram को खोल के रखो, वहीं पे आपको सब कुछ mention कराई गई है, वहीं पे आपको पता चल जाएगा। Clear हो गया? चलो। The cavity of cervix is called cervical canal. अब cavity जो cervix के पास वाला cavity है उसको खाली जगह है उसको बोलते हैं सर्विकल कैनाल बोलते हैं। क्लियर। चलो। विच अलोंग विद वजाइना फॉर्म बर्थ कैनाल। सर्विकल कैनाल प्लस क्या हो जाएगा? सर्विकल कैनाल प्लस वजाइना कलेक्टिवली नोन एज बर्थ कैनाल। वहीं से बच्चे का बर्थ होता है, फीटस बाहर आता है एज अ बेबी, वहीं से बर्थ कैनाल से। क्लियर। सर्विकल कैनाल प्लस वजाइना इज नोन एज बर्थ कैनाल। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैं बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ, तो अब आपका ये गलत नहीं होना चाहिए। क्लियर। चलिए। द वॉल ऑफ यूट्रस हैज 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू, द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम, बाहरी वाला सबसे आउटर वाला पेरीमेट्रियम, मिडिल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स मायोमेट्रियम। अब स्मूथ मसल्स क्यों होता है आपको पता है? क्लियर। आपको बताना है रीजन, मैंने आपको क्लास के दौरान बताया था कि क्यों होता है स्मूथ मसल्स। क्लियर। क्योंकि बहुत कॉन्ट्रैक्शन में जाता है। क्लियर। चलो। The endometrium undergoes cyclical changes during menstrual cycle and myometrium exhibits strong contraction during delivery of baby. Myometrium का मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि वो क्या करता है, डिलीवरी ऑफ बेबी में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है। और एंडोमेट्रियम उसका क्या फंक्शन था? एंडोमेट्रियम क्या करता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत ज़्यादा चेंजेस आता है, उस जब पीरियड्स आता है तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आता है। क्या चेंजेस आता है आपको मैं आपको बताऊंगी, दैट इज मेंस्ट्रुअल टॉपिक में, मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड्स उसको बोलते हैं, उस टॉपिक में बताएंगे। क्लियर। चलिए। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड मोन्स प्यूबस। मोन्स प्यूबिश कुशन वाला स्ट्रक्चर, फैटी टिश्यू का स्ट्रक्चर, वहाँ पे प्यूबिक हेयर्स भी हो सकते हैं, वो वाला स्ट्रक्चर। लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लिटोरिस। मोन्स प्यूबिस इज कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। सेम चीज़ है जो मैंने अभी आपको बोला, वही चीज़ लिखी हुई है। The labia majora are fleshy folds of tissue which extend down from Mons pubis and surround the vaginal opening. अब labia majora क्या है? Mons pubis है, उसी के just extension version है। क्या है labia majora? आपको diagram नहीं याद आ रहा है तो diagram आपको देखना है, वहाँ पे भी hairs present हो सकते हैं। Labia minora are pair fold of tissue under the labia majora, मतलब labia majora के अंदर क्या होता है? Labia minora होता है, लेकिन वहाँ पे वो भी पेयर्ड स्ट्रक्चर
yours. The opening of vagina is often covered partially by a membrane called hyma. Vagina के बाहर क्या होता है? एक membrane सा होता है, that is we call hyma. The clitoris is thin, finger-like structure is lying at the upper junction of two labia minora above the urethral opening. अब आप जानते हो urethral opening, vaginal opening. Urethral opening के ऊपर क्या होता है? Labia. That is clitoris. वो tissue-like structure है, erectile हो जाता है. Clear? चलिए. The hymen is often torn during first coitus intercourse. However, it can also be broken by sudden fall or jolt. Insertion of vaginal tampon, active participation in some sports like horseback riding, cycling, etc. In some women, the hymen persists even after coitus. In fact, the presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity of sexual intercourse. Na jaane maine ye kitni baar aapko batayi hai ki hymen ka hona ya na hona aapko ye nahi batayega ki virgin hai ya nahi hai. Matlab aisa hota hai ki hymen first intercourse mein torn ho bhi sakta hai, nahi bhi ho sakta hai. Ya kabhi kabhi aisa ho jata hai heavy exercise ke karan, ya menstrual cup insert karne ke karan, ya vaginal tampon insert karne ke karan kya hota hai, hymen ब्रेक डाउन हो जाता है, क्लियर, टॉर्न हो जाता है. आप ये तो नहीं बोल सकते हो वहाँ पे कि इंटरपोज हुआ है, क्लियर. ड्यू टू मतलब क्योंकि बहुत सारे रीजंस है बस हाइमन का टॉर्न होना, तो आप ये जज नहीं कर सकते हो कि अगर किसी लड़की में हाइमन टॉर्न है तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि वो सिर्फ इंटरपोज के दौरान ही टॉर्न हुआ हो, वो और किसी भी रीजन से टॉर्न हो सकता है. तो मेरा कहने का सिंपल मतलब था, आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर. अगर नहीं समझ में आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको खुद से दो बार रीडिंग करना है. अगर फिर भी नहीं आते हैं, कोई पॉइंट में डाउट है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है, क्लियर. अब हम लोग का लास्ट टॉपिक है इस फीमेल वाले पार्ट का, दैट इज मेमोरी ग्लैंड्स, क्लियर. अ पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट टू सपोर्ट चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड केयर, प्रेगनेंसी, फर्टिलाइजेशन, ओव्यूलेशन. ये वाला लाइन भी आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन आ रहे हैं. चलिए आज मैं इंट्रोडक्शन कर देती हूँ मेमोरी ग्लैंड्स का, फिर हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में उसको कंटिन्यू करेंगे, फिनिश कर देंगे, क्लियर. चलिए एनसीईआरटी आपका कंप्लीट होता है, मैं आपको टॉपिक दैट इज मेमोरी ग्लैंड्स स्टार्ट करते हैं, क्लियर. सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक मेमोरी ग्लैंड्स, क्लियर. लास्ट टॉपिक ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. हेडिंग लगाना है मेमोरी ग्लैंड्स. फर्स्ट पॉइंट पेयर्ड स्ट्रक्चर है. कैसा स्ट्रक्चर है? पेयर्ड स्ट्रक्चर है, यानी कि दो प्रेजेंट होता है. दूसरा पॉइंट इट इज अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड. कैसा ग्लैंड है? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, क्लियर. उसके बाद ये फंक्शनल ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, इट इज प्रेजेंट इन फीमेल, क्लियर. तो फीमेल को आप नोट करोगे लाइक अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स इज प्रेजेंट इन फीमेल. अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट फीमेल. तो इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको. तो इतना चीजें क्लियर होने के बाद अब मैं क्या बनाऊंगी, एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगी मेमोरी ग्लैंड्स का. आपको खूबसूरत सा अच्छा सा बनाना है और लेबल भी करना है, क्लियर. अच्छे से लेबल करना, उसके बाद मैं आपको फ्लो चार्ट नेक्स्ट क्लास में बनवा दूंगी, कौन सी चीजें से कैसे मिल्क जो है इजेक्ट होता है, बाहर कैसे आता है, कौन कौन से हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, ये सारी चीज़ें आपको एकदम डिटेल में पढ़ाया जाएगा, क्लियर. कुछ भी एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट मिस आउट नहीं होगा. आपको क्या करना है, आपको अगर डाउट है तो आप पूरा नोट्स पढ़ो, फिर एनसीईआरटी की रीडिंग में हो, यू विल नॉट मिस एनी सिंगल पॉइंट, क्लियर. अगर कोई पॉइंट मिस आउट हो जाता है तो मैं एनसीईआरटी भी करा देती हूँ साथ में, क्लियर. चलिए इसको मिटाते हैं, अब बनाते हैं डायग्राम.
क्या करी हूँ, एक मेमोरी ग्लैंड को मैंने निकाला, उसको कट किया एंड मैंने जूम करके ये स्ट्रक्चर बनाया। क्लियर? हर चीज बायोलॉजी की ऐसी होती है, छोटी सी चीज को उठाओ, उसको ट्रांसवर्स सेक्शन कट करो, बीचों बीच कट करो एंड देन जूम करके स्ट्रक्चर बनाना है। क्लियर हो गया? चलिए ये क्या है, निप्पल, एंड दिस स्ट्रक्चर जो पिगमेंटेड एरिया आप देखते हो निप्पल के बाहर, दैट इज एरियोला। क्लियर? क्या लिखेंगे, एरियोला दैट इज पिगमेंटेड एरिया आउटसाइड निप्पल। तो दो चीजें क्लियर है, निप्पल किसको बोलेंगे और एरियोला कौन से पार्ट को बोलेंगे। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ इस रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। सो चलिए सब कुछ एकदम सही है, अब बनाते हैं। मैं दो तीन लोग से दिखा रही हूँ, दो तीन ही स्ट्रक्चर बना रही हूँ कि पूरा मेमोरी ग्लैंड जो होता है इसी स्ट्रक्चर से बना होता है, बट मैं एक दो लेके ही समझा दूँ आपको कौन सी चीजें को क्या बोलते हैं। क्लियर? चलिए यहाँ पे क्या होता है, फैट्स होते हैं। यहाँ क्या होता है, फैट्स डिपोजिशन। क्लियर? और हमारा जो मेमोरी ग्लैंड होता है उसके यहाँ पास, मतलब ये जो पोर्शन है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। यहाँ पे बहुत मसल्स प्रेजेंट है, उसके बाद ही हमारा मेमोरी ग्लैंड लोकेटेड है। क्लियर? तो सबसे पीछे क्या है, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। यहाँ पे डिपोजिशन किस चीज का है, फैट्स का डिपोजिशन है। क्लियर? ये जो डक्ट मैंने बनाया है इसको क्या बोलते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट। इसी डक्ट के थ्रू मिल्क जो है वो पास आउट होता है, निप्पल से बाहर निकलता है। क्लियर? एक दो चीजें आप अभी से याद करते चलो, लिखवा तो देंगे लेकिन समझते भी चलना है। क्लियर? मैंने क्या बोला, लैक्टिफेरस डक्ट होता है, लैक्टिफेरस डक्ट से मिल्क आउटसाइड आता है, निप्पल के थ्रू बाहर इजेक्ट होता है। क्लियर? चलिए इसको बोलते हैं मेमोरी एम्पुला। थोड़ा सा फुला हुआ स्ट्रक्चर है तो एम्पुला, हर जगह फुला स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एम्पुला। जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने डायग्राम बनाया था तो जो वाइडर पोर्शन था उसको मैंने क्या नाम दिया था, एम्पुला दिया था। यहाँ पे भी आपको याद रखना है कि एक डक्ट पहले पास करेगा, एक पाइप पास करेगा, उसके बाद आएगा एक गोला स्ट्रक्चर जिसको हम बोलेंगे एम्पुला। क्लियर? तो मेमोरी एम्बुला हो गया, उसके बाद मान लो मैं एक लोब का बना रही हूँ, जैसे ये मैंने एक लोब बनाया। क्लियर? तो यहाँ पे देखना है आपको कैसे चल रही है चीज। सेम चीज यहाँ पे भी रिपीट होगी। क्लियर? अब देखो इसको क्या बोलेंगे, ये जो गुच्छा है ये हर जगह प्रेजेंट होगा। जैसे मैंने एक बनाया कि एक गुच्छा है, ऐसा ही बहुत सारा होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। क्लियर? मैंने जूम स्ट्रक्चर बना रही हूँ इसलिए मैं एक दो को ही दिखा रही हूँ। क्लियर? ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये जो लोब मैंने बनाया इसको क्या नाम देंगे, मेमोरी, मेमोरी लोब्स। उसके बाद एक स्ट्रक्चर है ये वाला, दैट बाद में जब डक्ट जाता है तो ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर आ रहे हैं और ये बड़ा स्ट्रक्चर आ रहा है। क्लियर? इसको बोलेंगे मेमोरी, मेमोरी ट्यूब्यूल्स। अब अभी आपको याद नहीं होगा कि मैं पहले स्ट्रक्चर कौन सा जाएगा, फिर कौन से में बटेगा, फिर कौन सा है, इतना चिंता नहीं लेना। क्लियर? कल के लेक्चर में जब मैं सब कुछ लिखवाऊंगी सीक्वेंस में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर? ट्रस्ट मी, है ना। चलिए अभी जितना मैं बना रही हूँ उतनी चीज़ें समझ में आ रही है, आ रही है, तो चलिए उतना चीज़ बनाओ फिर मैं आगे का बताती हूँ। सो चलिए और चीज़ें लेवल कीजिए। इसको क्या बोलेंगे, मेमोरी एल्विओलाई। क्लियर? अब यहाँ मान लो और भी स्ट्रक्चर हो सकता है तो यहाँ से और स्ट्रक्चर बना लो, इसको भी मेमोरी एम्फुला बना लो। क्लियर? मेमोरी एम्फुला एंड अगेन इस स्ट्रक्चर को भी बना लो। क्लियर? सेम स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो
तो यहाँ पे ये जो डक्ट है दिस पोर्शन, इसको क्या बोलेंगे? मैमरी डक्ट। एक लैक्टिफेरस डक्ट था, एक मैमरी डक्ट है, क्लियर? यहाँ पे भी सेम चीजें रिपीट होगी। तो मैमरी लोब्स कितने होते हैं? 15 to 20, क्लियर? 15 to 20 इन ईच मैमरी लोब्स आर प्रेजेंट, और हर मैमरी लोब्स के अंदर एक गुच्छा पाया जाएगा, क्लियर? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पेट्रोलेस मेजर मसल्स है, अगर बाहर का ज्यादा नॉइज आ रहा है प्लीज इग्नोर इट, क्लियर? चलिए वापस मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार, मुझे जितना भी डायग्राम में बना है एक बार आपको रिपीट करके बता देती हूँ, क्लियर? देखो पहले मैंने यहाँ पे निप्पल बनाया जिसको मैंने नाम दिया निप्पल, बाहर का पिगमेंटेड एरिया था उसको मैंने नाम दिया एलियोला, इतनी चीजें क्लियर हुई। उसके बाद एक पाइप गया उसको मैंने दिया लैक्टिफेरस डक्ट नाम, जहाँ से मिल्क बाहर आता है और जब निप्पल से बेबी सक करता है तो वो बेबी के माउथ में जाता है, तो लैक्टिफेरस डक्ट हो गया। लैक्टिफेरस डक्ट आगे जाके मैमरी एम्बुला, क्लियर? यहाँ पे फैट्स की डिपोजिशन है कुछ, देन यहाँ पे आता है मैमरी एम्बुला के बाद आता है मैमरी एल्वुलाई, जहाँ पे छोटे छोटे एल्वुलाई प्रेजेंट होते हैं, मैमरी एल्वुलाई बोलते हैं उसको। देन यहाँ आता है मैमरी ट्यूब्यूल्स, जो सबसे लास्ट स्ट्रक्चर गोला का स्ट्रक्चर होगा ट्यूब्यूल्स जैसा, उसको मैंने नाम दिया मैमरी ट्यूब्यूल्स। और हर मेमोरी लोब्स के अंदर 15 to 20, मतलब हर ब्रेस्ट के अंदर, यानी कि मैं ये मेमोरी ग्लैंड्स बना रही हूँ, तो हर के अंदर 15 to 20 मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होंगे, क्लियर? एक चीज़ क्लियर रखना है। लास्ट में है पेक्टोरलिस मेजर मसल्स, रिब्स भी पाए जाते हैं, क्लियर? मैंने रिब्स को नहीं दिखाया यहाँ पे। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में, इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट होता है। अब क्योंकि आपको पता है मैं बहुत शॉर्ट लेक्चर देती हूँ, 20 मिनट्स का लेक्चर देती हूँ, इसलिए मैं मेरा यही है कि टाइम कम हो लेकिन अच्छा से कंटेंट आपको मिले, क्लियर? कंटेंट अच्छा सा हो तो टाइम मैं कम लेती हूँ, क्योंकि यू हैव टू रीड एनसीईआरटी आल्सो बाय साइड, क्लियर? एंड नोट्स आल्सो मल्टीपल टाइम्स, देन ओनली यू कैन रिकॉल माय लेक्चर्स फ्रॉम डे वन, क्लियर? तो डे वन से रिकॉल करते चलना है, जब तक मैंने आज तक जितना भी पढ़ाया मैं एक दिन आके पूरा क्वेश्चन आपको क्वेश्चन के फॉर्म में पूरा रिवाइज करा दूंगी, क्लियर? सो तब तक आज का लेक्चर इतना ही, आपको अच्छे से डायग्राम बनाना है, कल मैं इसको फ्लो चार्ट में लिखवा दूंगी, फिर हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे ओजेनेसिस, क्लियर? चलिए तो तब तक के लिए एनसीईआरटी पढ़िए, नोट्स पढ़िए।